हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सर। आज हम इस वीडियो में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपको क्लास 11, 12, बीएससी, एमएससी लेवल तक पूछा जाता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इससे पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप लोग को क्वांटम नंबर जानना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वांटम नंबर जानते हैं तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो अगर आपको चारों क्वांटम संख्याएं पता है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं इसमें तीन क्वांटम संख्याओं का मान यदि सेम हो जाता है तो फोर्थ क्वांटम नंबर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइए देखते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, इस प्रिंसिपल मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार स्टेट दैट, स्टेटमेंट क्या था इनका, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन के लिए इन एन एटम, जो एटम होते हैं, कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो सकता, समान नहीं हो सकता है। इफ एन एटम एनी टू इलेक्ट्रॉन मे हैव द सेम वैल्यू, अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, सेम वैल्यू हो गया, फॉर एनी ऑफ द थ्री क्वांटम नंबर, मतलब थ्री क्वांटम नंबर किसी भी केस में अगर सेम हो गया, बट द फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट, तो चौथा क्वांटम नंबर आप क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। तीसरी कंडीशन थी कि ईच ऑर्बिटल्स हैविंग मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स आपके होते हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही फील किए जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। तो ये था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल आप लोग कैल्शियम का ले लिया है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होगा। तो देखिए अगर 4s2 को हम उठाकर देखें तो इसके लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज स्पिन का, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो 4s है यानी इक्वल टू 4, और s के लिए l की वैल्यू हम लोग पढ़े थे 0 होता है, m की वैल्यू भी 0 होता है, और जो स्पिन होगा प्लस हाफ होगा। और देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, सेम ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो n की वैल्यू 4 होगा, l 0 होगा, m 0 होगा, s इक्वल टू -2 होगा। तो यहां से देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n भी सेम है, L भी सेम है, M भी सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसकी स्पिन प्लस हाफ है, इसकी स्पिन माइनस हाफ है। तो इस तरह वही कह रहा है कि सेम इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, सेम होंगे, तो वहां से क्या होगा, चौथा क्वांटम नंबर आपका हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। तीन तो सेम है लेकिन फोर्थ क्या है, डिफरेंट है। वैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हम एक 3s का इलेक्ट्रॉन ले लें और एक 3p का ले लें, तो यहाँ से देखिए सपोज 3s का ले लिया गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 3p का, तो इसके लिए देखिए n क्या होगा, 3 होगा, l 0 होगा, m 0 होगा, s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, और s क्या होगा, प्लस हाफ होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। इसके लिए भी n क्या होगा, बराबर इक्वल होगा, l क्या होगा, 1 होगा, m क्या होगा, -1, 0, +1 होगा, और l s क्या होगा, प्लस हाफ होगा। देखिए प्लस हाफ, प्लस हाफ, n और n इक्वल है लेकिन l और m की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर देखेंगे तो क्या होगा, तीन क्वांटम नंबर किसी भी केस में अगर सेम हो जाएगा तो चौथा क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये कहना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। इस छोटे से वीडियो था
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।